और बताइए कैसे विद्यार्थियों, पढ़ाई लिखाई चल रही है? हम लोग आजकल रीजनिंग के सवाल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। मैंने प्रयास किया कि हर तरह के सवाल आप तक पहुंचाएं, छोटे से छोटे सवालों तक आप तक पहुंचाएं, जिससे आपका एक बेस क्लियर होता चला जाए। अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है तो यकीन मान लीजिए कि आप परीक्षा मुश्किल नहीं रह जाएगी। देखिए, जैसे जब आपके सामने कोई सवाल आता है तो जो पहली बार यानी सवाल पढ़ते समय उस जो आपका माइंड क्लिक करता है कि हमें ये करना चाहिए, वही मैथमेटिक्स है। बाकी बात में तो लेबर है भाई, मेहनत कर लो, कैलकुलेट कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। लेकिन वो जो पहली बार सोचा जाता है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करें तो वो जो सोचने का तरीका होता है वो आपका डेवलप हो जाएगा। और अगर आप सोचने का तरीका डेवलप कर लेंगे तो समझो मैथ आ गई। मैथमेटिक्स दरअसल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो फीलिंग है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको आप छू सकते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, कोई और क्या सोचता है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। तो आप ऐसे सोचिए कि ये कैसे तरीका डेवलप किया जाए, इस पर काम करें। अगर तो हम सोचते हैं कि अगर हम तमाम छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करें कि ऐसा होता ही क्यों है, इस पर काम करें, तो हमें लगता है कि वो चीज़ आपके पास बेहतर ढंग से आ जाएगी। बजाय बड़ा ये किताब, वो किताब, वो किताब, ये चैनल, वो चैनल, मतलब बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत परेशान होंगे तो खाली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि तमाम तरह के लोग हर तरह की बातें बताएंगे। लोगों का मानना ये है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कितना आसान होता है कह देना ये। अगर मैं कह दूं आपको, जो अगर आपको संविधान पढ़ना है तो जाइए आपको डीडी बसु पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट पढ़ लीजिए, पुरुषोत्तम दास टंडन पढ़ लीजिए और सुभाष कश्यप पढ़ लीजिए, आपका संविधान तैयार हो जाएगा। ये कहना कितना आसान है, कह तो दिया हमने, आपको पता है इतना पढ़ने में कितना समय लगेगा और समझने में कितना समय लगेगा, हालत खराब हो जाएगी। तो एक शिक्षक का यह दायित्व तो नहीं है कि आप इतनी सारी बातें बता दीजिए कि लड़का अपने आप एकदम दबाव में आ जाए एकदम से। हम कहते हैं कोई दबाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कोई चीज़ देखिए तो इतना मन से देखिए, इतना डीपली उसको सोचने का प्रयास करिए, बल्कि पॉज कर दीजिए वीडियो और सोचने लगिए कि आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है। अगर इस तरह की बातें आपके मन में आ रही तो समझ लीजिए कि अब आप बहुत करीब हैं और सफलता के बहुत करीब हैं। हम लोग रीजनिंग पर काम कर रहे हैं और रीजनिंग पर हमने अभी ब्लड रिलेशन के सवाल डाले होंगे, आप तक पहुंच रहा होगा। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़े और कुछ अगर बात करें तो एक चीज़ होती है पाशा, घनघना पाशा होता है। घनघना पर तो मैंने एक वीडियो डाल रखा था, तो हालांकि वो अभी पूरा नहीं है, एक दो क्वेश्चन खाली डाल रखा है, एक एक क्वेश्चन दोनों का मैंने कर रखा है। आप चाहेंगे तो उसमें अपनी बेस तो क्लियर कर ही सकते हैं, लेकिन अभी और सवाल डालना बाकी है। मैं चाह रहा था कि पहले इस सारे टॉपिक के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब आता है तो लड़का बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं तो खाली वीडियो देख के फ्रस्ट्रेट होने वाली बात हो जाती है कि तमाम लोगों ने बहुत सारी चीज़ डाल रखी है, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत कुछ बता रखा है, उतनी बातें दिमाग में नहीं आती तो लड़का घबराने लगता है कि अब मेरे से क्या होगा। तो अब हम सोचते हैं कि एक एक छोटी छोटी बात हम आपसे कर लें। तो पाशा के बारे में हम बात कर रहे हैं, पाशा एक शब्द है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पाशा, इसको डाइस कहते हैं, डाइस। वैसे पाशा, शकुनी मामा का पाशा बड़ा प्रसिद्ध रहा है, मतलब मुझे लगता है कि वही पहला वो पाशा था ही। और उस पाशे की खासियत तो उनकी ये थी कि जब वो फेंकते थे तो वो जो चाहते वही नंबर आ जाता था। आपने लूडो देखा होगा, तो लूडो में तो हिलाइए आप इसको और जो नंबर आ जाए, दो नंबर आ जाए, एक नंबर आ जाए, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है। वैसे किसी विद्यार्थी ने हमसे बताया, कोई लड़की थी उसने बताया कि हम चाहते हैं कि तीन आ जाए तो तीन आ जाता है, हो सकता है उसका प्रैक्टिस रहा होगा, खैर मैं मेरे से तो नहीं होता तो। लेकिन ये सोचिए कि डाइस है, तो डाइस में क्या होगा कि एक पासे की स्थितियाँ दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इस पासे में इसके अपोजिट क्या होगा या बगल में क्या होगा, ऐसे करके सवाल बनते हैं। तो पासे में हम बात करें तो पासा दो ही तरह का होता है, दो पासा मान लीजिए। एक को आप कह सकते हो कि स्टैंडर्डाइज, मानक पासा, और एक का नाम है साधारण पासा। बस दो तरह का होता है। अब स्टैंडर्डाइज जो होता है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लूडो वाला डाइस है। बस अपना लूडो देख लीजिए, लूडो अगर घर में रखा होगा तो उसको देख लीजिए, वही मानक पासा है। उसकी खासियत है, बड़ी खूबी है उसके अंदर। खूबी देखो क्या होता है कि एक दो तीन चार पाँच छः करके छः सर्कल पर छः बिंदु बने रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी सुविधा यह है कि एक जो बिंदु बना है उसका अपोजिट सर्कल देखेंगे तो उसमें छः दिख जाएगा,
जो दो सर्फेस दो बिंदु दिखा उसका अपोजिट देखेंगे तो उसमें आपको कितना दिखा, पाँच दिख जाएगा, और जो तीन दिख रहे हैं उसका अपोजिट देखेंगे तो चार दिख जाएगा। ये बड़ी खास बात है, ये स्टैंडर्ड भाषा की एक मूलभूत विशेषता कह सकते हैं आप, कि इसके अपोजिट सरफेस पर, यानी जो सरफेस आपको दिख रही है और उसका अपोजिट सरफेस अगर दोनों को जोड़ा जाए तो सेवन आना चाहिए, बस सेवन, यानी अगर दोनों को जोड़ दें तो सेवन आ जाएगा, ये भी सेवन आ जाएगा, ये भी सेवन आ जाएगा। अगर ऐसी पोजिशन बन रही तो समझो वो मानक भाषा है। अब अगर ये मानक भाषा है तो इस पर सवाल कुछ कम बने हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपको पहले से पता है कि दो का अपोजिट क्या होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पासे खोले गए हैं, खोल करके एक डिजाइन बना दिया और बोल दिया कि बताओ इसमें चारों में से कौन मानक पासा आपको दिख रहा है। तो अब खोलने में एक बात जरूर आ जाती है कि उसको पैक करने के बाद कौन सा सरफेस किसके अपोजिट आएगा, यहाँ थोड़ी सी रीजनिंग की बात हो सकती है। तो इस पर इसलिए थोड़े कम सवाल बने, ज़्यादातर सवाल आपके साधारण पासा में बने। साधारण पासा खासियत क्या है? कुछ भी हो सकता है, एक का अपोजिट दो भी हो सकता है, दो का अपोजिट चार भी हो सकता है, चार का अपोजिट दस भी, दस नहीं आएगा, छः भी हो सकता है, यानी किसी का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल पासा स्टैंडर्ड नहीं होता। तो इसलिए इसी पर ज़्यादातर सवाल बने हैं। और इसमें क्या होता है कि तरह तरह की परिस्थितियाँ दे दी जाती हैं और उन परिस्थितियों से पूछा जाता है कि भाई अगर मान लीजिए ये सरफेस ऐसा है तो क्या होगा। अब इसमें सवाल कैसे बन जाएंगे? कभी एक डाइस दिया गया, उस पर आधारित पूछ लिया, कभी दो डाइस, कभी तीन डाइस, कभी चार डाइस, ऐसे चित्र बना के दे दिया जाता और पूछा जाता है कि अगर ये परिस्थिति किसी पासे की ये चार परिस्थितियाँ दी गई हैं तो इसमें तीन का अपोजिट क्या होगा। इस तरह के सवाल बन सकते हैं और ज़्यादातर यही बनते हैं। और थोड़ा सा ऐसे भी सवाल बनते हैं जैसे मैंने बताया कि एक पासे को खोल दिया जाए और खोलने के बाद में इसे ब्लॉक बना देते हैं। कोई एक ब्लॉक में बना के दिखा दूँ आपको, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, जैसे खोल दिया है पासा, तो ऐसे देखो छः सरफेस आपको नजर आ। अब इसको अगर डब्बा बनाया जाए, मान लो यहाँ पर हम कोई गिनती लिख दें, सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया तीन, लिख दिया यहाँ चार, लिख दिया यहाँ छः, लिख दिया यहाँ एक, लिख दिया यहाँ पाँच, लिख दिया यहाँ दो, लिख दिया। अब पूछा गया कि बताओ अगर ये पासा दिख रहा है, इसको पैक किया जाए तो ये पासा कैसा पासा होगा। तो अब आप सोचो इसको पैक करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे पैक करेंगे और इसको ऐसे पैक करेंगे, तो होगा क्या कि जब इसको मोड़ेंगे तो ये चारों सरफेस दीवार का काम करेंगे और ये इधर का छत हो जाएगा, ये इधर का छत हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि एक का अपोजिट छः आ जाएगा और तीन का अपोजिट चार आ जाएगा और पाँच का अपोजिट दो आ जाएगा। अगर ऐसा आ गया तो फिर आपका मानक पासा हो गया, तो अगर ऐसा नहीं आता तो मानक पासा नहीं होता। बस यही कहानी है। तो इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, कुछ सवाल नोट करूँगा और उस नोट करके उस पर देखूँगा कि पासे की विभिन्न परिस्थितियों से हम लोग कैसे निपटते या कैसे उनके सवाल लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल। तो आइए विद्यार्थियों, देखिए हमने कुछ सवाल नोट कर दिया है और इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सवाल क्या है। देख लीजिए, मैं वही बता रहा था कि कुछ डिजाइन बनाई रहती है, उसमें पूछा जाता है इसके अपोजिट क्या होगा, उसके अपोजिट क्या होगा। तो कुछ सवाल हमारे सामने हैं, आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक पासा बना हुआ है और पूछ रहा है इस पासे में तीन के विपरीत क्या होगा। अच्छा बताइए, एक पासे में जब तीन ही सरफेस हमको दिख रहा है तो पिछला तीनों नहीं दिख रहा है। अगर तीनों नहीं दिख रहा है तब तीन के अपोजिट हम कैसे सोच सकते हैं, आप ही सोचिए। तो हर बिंदी के बदले तीन तीन विकल्प हमारे सामने होगा। तो जरा थोड़ा सा और इस पर दिमाग लगाइए, इसको अगर ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे किसी किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर सात नहीं आ रहा है। अगर सात नहीं आ रहा है इसका मतलब हुआ कि यह पासा हो सकता है। क्यों? अभी आप तो कहेंगे कि भाई पिछले वीडियो में तो आपने कहा, अभी अभी बताया हमने कि जोड़ने पर तो सात आना चाहिए। जी हाँ, अपोजिट सरफेस जोड़ने पर सात आना चाहिए और अपोजिट सरफेस दिखता नहीं है कभी। अगर मान लीजिए आपके सामने पाँच है तो पाँच के पीछे क्या है ये आप देख नहीं सकते, हमारी आँखें केवल 3D देख सकती हैं, 4D नहीं देख सकती है। तो हम तीन सरफेस तो देख ही रहे हैं और इस तीन सरफेस के पीछे वाले तीन सरफेस हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ अगर ये दोनों जोड़ने पर सात नहीं आ रहा, ये दोनों जोड़ने पर सात नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सीधा सीधा सा है कि इसके पीछे वाला सरफेस जोड़ने पर सात हो सकता है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल पासा है, अभी आप अगर यहाँ देखें इस पासे को ध्यान से, तो इसमें देखिए पाँच और दो दिख रहा है, पाँच दो सात, इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये मानव पासा हो भी नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका अपोजिट सरफेस आपको दिख कैसे गया, दिख ही नहीं सकता। इसलिए ये मानक पासा नहीं, ये साधारण पासा है और ये मानक पासा हो सकता है। और अगर ये मानक पासा है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप तीन का अपोजिट क्या होगा, तीन का अपोजिट चार होगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपोजिट सरफेस जोड़ने पर सात होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आ गया वो तीन का अपोजिट
सात सॉरी चार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तीन प्लस चार जोड़ने पर सात आ रहा है और यह एक मानक भाषा है। आइए देखते हैं। देखिए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि दो चार पाँच छः तीन एक, कोई भी चीज़ कॉमन दिख नहीं रही है, कॉमन नहीं है। अब जब कॉमन नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप? अब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा ये भी सत्य है कि ये स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पाँच एक जोड़ने पर सात हो रहा है, छः एक जोड़ने पर सात हो रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है और कॉमन भी नहीं है। जब कॉमन नहीं है तब आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। कैसे? एक तरीका है कि आप इसको एडजस्ट करने का प्रयास करिए कि सेट कर दो इसके नीचे आ जाए या इसके ऊपर रख दिया जाए, तब इसके अपोजिट क्या होगा सोचिए। लेकिन बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास विकल्प ऐसा ही आता है कि जैसे कह रहा एक के अपोजिट क्या होगा, तो इतना जान लो एक के अपोजिट तीन और छः तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सामने दिख रहा है। तो एक के अपोजिट दो चार पाँच में से कुछ भी हो सकता है। आप सीधे लिख दोगे एक के अपोजिट में कितना हो सकता है, दो हो सकता है या चार हो सकता है या पाँच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप कुछ कॉमन दे नहीं रखे हैं तो सवाल कहाँ से लगेगा। तो आप एकदम सीधे सीधे कह सकते हैं और ये ऑप्शन में लिखा होता है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और आप सीधे सीधे आपका ये विकल्प सही हो जाता है। आइए तीसरे सवाल पर बात करें। इसमें लिखा हुआ हरा नीला सफ़ेद, पीला सफ़ेद काला। अब यहाँ पर देखो तो सफ़ेद जो है आपको कॉमन दिख जा रहा है। जब कुछ कॉमन दिख जाए तो हम आपको एक डिजाइन बना रहे हैं, उस डिजाइन के हिसाब से रख दो तो आपके लगभग मतलब 90 या 95% क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक ऐसे आप टी बनाने का प्रयास करें, टी प्रभु ईसा मसीह इसी तरह से क्रूस पर लटकाए गए थे, एक क्रॉस बनाइए। देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः हुआ। और जो इसमें कॉमन दिख जाए वो कॉमन आप बीच में लिख दो। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ सफ़ेद कॉमन दिख रहा तो हमने यहाँ सफ़ेद लिख दिया। अब सफ़ेद से लेकर के क्लाक वाइज आपको ऐसे चलना है, सफ़ेद के बाद नीला है, नीला के बाद हरा है, कहीं से भी शुरू कर दो। जैसे मैंने हमने यहाँ नीला से शुरू कर दिया तो नीला यहाँ लिखा तो हरा यहाँ लिख दिया। अब यहाँ चलो सफ़ेद के बाद क्या, सफ़ेद के बाद देखो पीला है फिर काला है, सफ़ेद के बाद देखो पीला है तो काला है, तो हमने यहाँ पीला लिख दिया यहाँ काला लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, हरा बचा हुआ, हरा हमने यहाँ लिख दिया। अभी आपका कंप्लीट पासा बन के तैयार होगा, कुछ भी समस्या नहीं है। काला के अपोजिट क्या होगा भाई? काला का अपोजिट हरा होगा, नीला का अपोजिट पीला होगा, सफ़ेद का अपोजिट हरा होगा, यानी सब का सब बता दीजिए। एक पूछा हमने सभी बता दिया। चित्र ध्यान से समझ लीजिए, आने वाले लगभग सभी सवालों में हम ऐसे चित्र बनाएंगे और आप देखेंगे बहुत आराम से सारे सवाल हल होते जा रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे आपको डिजाइन पहले समझ लीजिए, एक बीच में डिजाइन होगा, चार इसके किनारे किनारे होगा और एक अलग होगा। और इसी तरह के डिजाइन में जितने भी कॉमन वाले सवाल बनेंगे सब यहीं से हल हो जाएंगे। एक ऐसी डिजाइन जो सभी तरह के सवाल हल कर सकती है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा है ये रहा, आइए हम अगले सवाल पर बात करें। देखिए ये सवाल दिया हुआ, तीन सरफेस दिया हुआ है, एक दो तीन, एक पासे की तीन विभिन्न स्थितियाँ दी गई हैं और पूछा गया तीन के अपोजिट क्या होगा। आइए देखते हैं, तीन के अपोजिट अगर हमें देखना हो तो हमें फिर उसी तरह का एक डायग्राम बना लेना चाहिए। उस डायग्राम से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे, आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देख रहे हैं कि इसमें हम चार कॉमन दिख रहा, चार को हमने कॉमन लिख लिया। अब चार के बाद यहाँ क्या है, पाँच और छः लिख दिया, और चार के बाद वहाँ एक और दो है लिख दिया। हमसे पूछा गया था तीन के अपोजिट क्या होगा, देखिए चार के अपोजिट पाँच और छः देखा और चार के बाद हमने एक और दो देखा, अब यहाँ क्या रहेगा, तीन है, जो खाना बच गया वो तीन हो जाएगा। हमसे तीन का अपोजिट पूछा गया था, तीन का अपोजिट चार हो जाएगा, तीन का अपोजिट चार हो जाएगा। वैसे आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर दो सरफेस आपको कॉमन नज़र आ जाए, देखिए जैसे दो सरफेस कॉमन का मतलब हुआ कि तीन पाँच और कहीं दिख रहा नहीं, छः तीन नहीं दिख रहा, छः चार नहीं दिख रहा, ठीक है। तीन सरफेस जब दो सरफेस कॉमन आता है तो उसमें एक खास नियम लगेगा, चलिए आने वाले सवाल में दिखता रहेगा, तो हम एक एक बार बताते जाएंगे। आपको बस ऐसे डिजाइन बनानी है और डिजाइन पर सवाल रख देना है, सवाल का उत्तर अपने आप आ जाना है, कुछ करना नहीं है। एक विशेष तरीका है जिससे आपको ढेर सारे सवाल हल होते चले जाते हैं। देखिए अगले सवाल पर बात करते हैं। एक डिजाइन दिया हुआ, हाँ देखिए इसमें मिल ही गया जो मैं कह रहा था। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाँच पाँच चार तीन दिख रहा है
5 3 6 दिख रहा है। अब आप देखो 5 3 यहाँ दिख रहा है, 5 3 यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं आप। तो दो सरफेस कॉमन दिख रहा है, 5 3 यहाँ भी है, 5 3 यहाँ भी है। तो जब दो सरफेस कॉमन मिल जाए तो आपका जो तीसरा सरफेस दिख रहा है 6 और तीसरा सरफेस का 4, तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। बिना लगाए आप इसको हल कर सकते हैं। एक स्थिति यहाँ पर भी दिख रही है आपको, आप देखें तो 6 3 यहाँ दिख रहा है और 6 3 यहाँ दिख रहा है, दो सरफेस आपके मैच कर रहे हैं। अगर दो सरफेस मैच कर रहे हैं तो जो तीसरा सरफेस होगा इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। हम लोग को फिलहाल 6 के विपरीत बताना है, तो हम पहले ये दिखा दें आपको कि उस डिजाइन के माध्यम से आप इसे कैसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, हम चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम सवाल लगा देंगे। सपोज करिए यहाँ हम 6 से ले, तो 6 के बाद 3 2 है, 6 के बाद नहीं 6 को ना लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो 5 को कॉमन लिया तो 5 के बाद हमको मिलेगा 3 और 6 3 और 6। 5 के बाद यहाँ मैं देखता हूँ तो आ रहा है 4 और 3 4 और 3, मैंने 4 के बाद 3, ध्यान रखिए हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, तो 4 3 है तो 3 यहाँ हो चुका, तो 4 फिर यहाँ होना चाहिए ऐसे 4 और 3। तो देखो 4 और 3 और यहाँ पर 3 और 6, तो आपको बताना क्या था, केवल 6 और 4। देखिए हमसे पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत देखें तो 6 के विपरीत 4 आएगा, यानी आपका आंसर बन जाएगा। आप बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, ये लगाने में आपको थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, आप तुरंत उत्तर पा जाते हैं 6 का अपोजिट 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कि सवाल में कठिनाई नहीं है, हम कोशिश करेंगे ऐसे तमाम सवाल आपके पास लाएं और आप अभ्यास जरूर कर लें। धन्यवाद।